प्रदीप भैया इस वक्त टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, शहजाद खान चकिया और उद्घाटन करता हमारे टूर्नामेंट के हैं, उनकी सेवाएं इस टूर्नामेंट हो गई है और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन बनारसी। बाएं हाथ के बल्लेबाज अमन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, चलेंगे बात दीवांशु इस टाइम बेटर डिलीवरी अंडर बहुत ऊंची गई थी गेंद और यदि ये कैच कर लेती बाउंड्री जी बिल्कुल करीब थी, इस बार खतरनाक बल्लेबाज अमन है सामने हो किसी खिलाड़ी के पास। दर्शकों की ये चाहत है कि लगातार छक्कों की बारिश होती रहे, प्रेरित है अमन के लिए। अब चले गए बात दिवांशु, निश्चित रूप से पूरे दबाव में होंगे दिवांशु किस तरह की गेंद करते हैं ये देखना होगा। उठा दिया है एक और शानदार छक्का, और सात छक्के लगाए दोनों मैच मिला के सात छक्के लगा चुके हैं और साहब की तरफ से हैट्रिक के परिणाम है और अपील वहां पर जोरदार अपील हो रही है भारत के द्वारा। अब दिवांशु चले पहले ओवर के भी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, संभवतः आखिरी गेंद होगी इस बार। अच्छी गेंद थी आगे नो बॉल, एक बार फिर से नो बॉल, दबाव है गेंदबाज के ऊपर और हो भी क्यों ना इस तरह का बदतरी हिट। अब नुमान होंगे सामने और फिर से वापस मिसफील्ड हुई रन कितने छक्के चार ओवर के मैच में अमन लगा देंगे। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है यदि T20 मैच पूरा 20 ओवर का मैच इनको खेला जाए तो छक्कों का शतक लगा देंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। जेब की मेरिट को पढ़ रहे हैं अमन, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन और अमन को देख के युवराज सिंह की झलक नजर आ रही है। छाप है इस बल्लेबाज दिया था, क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। अब फिर से एक बार अमन है किस तरह की बल्लेबाजी करते, तीन गगनभेदी छक्के लगा चुके हैं अमन, चार गगनभेदी छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में अमन। क्या ये पांचवा छक्का होगा, क्या कुछ होने वाला है। पट्टी देते हैं अलीबो करी साठ झन्ना के बाद साठ खिलाड़ी सलबा वहां पर थे, थोड़ी सी उम्मीद और नो बॉल। बहुत ही बुरी स्थिति को आमंत्रण दे रहे हैं, अब कोई बल्लेबाज अमन है सामने किस तरह घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। सलमान मिर्जा बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी चल रही है। अब्दुल्ला भाई बहुत नो फेंक रहा है भाई ये लड़का, अमन और रोमान की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी इस बार अमन खूंखार रूप में सलमा चले अमन के लिए। अमन जबरदस्त और दौड़ा के मारा है इस बार, गया जा रहे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। सलवा वन सेकेंड अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में बेहतरीन डिलीवरी, ऐसी गेंदबाजी आपको करनी है यदि अमन और नुमान जैसे बल्लेबाजों को रोकना है तो आप इस तरह की बल्लेबाजी करके, इतने बड़े बल्लेबाज हैं इस तरह की आपको गेंदबाजी करनी होगी, बेहतरीन गेंद थी और उसी तरह की याद कराने की कोशिश आपको करनी होगी, लगातार प्रयासरत रहना होगा इस बार। अच्छी गेंद थी बैक टू द बॉलर और एकदम 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन। क्या अमन ना अर्धशतक लगा पाएंगे या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं किस तरह का अर्धशतक पूरा होने वाला है अमन का, क्या ये अमन का ये सिरसाल कप का पहला अर्धशतक पूरा हो जाएगा, क्या अमन 48 रन की पारी के बाद वापस डगआउट में आ जाएंगे, सिर्फ दो रन मात्र दूर है, क्या सही अर्धशतक छक्के के साथ पूरा करेंगे, क्या इस गेंद पर अमन के बल्ले से चौका लगने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये गेंद तय कर देगी। और ये गेंद बाहर, अंपायर माजिद खान ने अपनी टहनी इशारा कर दिया कि अभी 48 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं माने व्हाइट बॉल एक रन जरूर जुड़ जाएगा और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 90 रन, चार ओवरों के मैच में 90 रन, अभी आखिरी ओवर चल भी रहा है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, एक सही अर्धशतक इन्होंने पूरा किया है और अब इस छक्के से उनका स्कोर हो गया 54 रन। बॉल वॉलेंटियर्स मैदान के चारों तरफ रहे हैं, जब अमन बल्लेबाजी कर रहे हैं, नुमान बल्लेबाजी कर रहे हैं, रवि रंजीत जैसे बड़े महारथी अभी आने वाले हैं और लेफ्टी और राइटी
जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है अमन के जानिब से लगातार। भाई दोनों टीमें एक एक मैच खेल के आई है, एक एक मैच जीत कर आई है। जबरदस्त बल्लेबाजी पूरी तरह से आतंकित कर दिया है गेंदबाजों को। फील्डिंग प्लेसमेंट किसी तरह की कोई दबाव नहीं, कोई मतलब नहीं आप कहीं भी गेंद डालिए और गेंद को सीमा रेखा के बाहर। अगली गेंद लेकर चले इस बार फिर से उठाने की कोशिश थी। इस बार बल्लेबाज ने मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने। भाई ये जो टीम जिस दिन जीतती है वही होता है, देखिए कैसे होता है क्या होता है सब देखते रहिए। दोनों टीमें एक एक मैच जीत कर आई है। कुल स्कोर 115 रन, ये चौथा ओवर चल रहा है 115 रन और इन 115 रनों में जहां तक मैं देख पा रहा हूं 8 रन सिर्फ सिंगल से आए हैं। हेलीकॉप्टर इस बार उड़ाने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर नहीं आई और गेंद जा रही थर्ड मैन बाउंड्री के करीब, अंपायर के सिग्नल का वहां इंतजार है और ये 4 रन।